आओ देखो मैं आपका चेहरा देखो उदास उदास हो गया ना तेरे बच्चे आ गए रे सो नीचे आ गए तेरे पिल्लू लोग ये मस्त है ऐसा कलर है लाइक इट इसका ही मस्त है इसका अच्छा है तो उनका अच्छा होगा ही है ना ओए मैया मैया हो मावा ओए बबली चल खाने का टाइम हो चुका है और साथ में तुझे दवा पीनी है ओके तो चलो का क्या फूल हम इसको सर्व करते हैं केसरी आते आ चुकी है देखो और बबली नहीं आ रही क्योंकि बबली खाना नहीं खा पा रही है दो दिन से आज उसको लेके गए थे क्लिनिक तो दवा चल रही है उसके तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले आइए देखो आई है देखते खा पाती या नहीं आई होप खाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है खाएगी वो केसरी का रिएक्शन देखो मैं पहली बार इतना छोटा पैकेट लेकर आया मैं हमेशा बड़ा पैकेट लेकर आता हूँ 7 kg 20 kg कितने सारे कैट्स हैं तो लगता ही इतना आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी किट्टी में ये रहा ये प्योर पेट का पैकेट है दोस्तों ये 80 ग्राम का पैकेट ये आता है इसका प्राइस है 40 rupees का समथिंग कुछ 40 rupees ही है आप देख सकते हो उसमें एक लेग फ्री मिला है ठीक है और हम यही खिलाते हैं बड़े पैकेट से जो बड़ा पैकेट आता है फिलहाल मैं गया था क्लिनिक में तो वहाँ पर शॉप का तो ये लेकर के गया सैंपल चला गया मेरी माँ खाएगी मुझे क्या बोला खाएगी मैंने क्या बोला मुझे पूरा विश्वास है मेरी माँ खाएगी स्टार्ट तो किया मैंने खाना ओपन वाली मेरी माँ को जल्दी अच्छा कर दो देखो सर्दी है बुखार है और क्या करें ये 80 ग्राम है तो वेट के हिसाब से देना पड़ता है अगर वेट है कैट का किटन का जो भी है उसके हिसाब से 2.5-3 kg की है तो 40-60 ग्राम दे सकते हो आप तो इसका वजन के हिसाब से इसको देंगे 20-30 फिलहाल बीमार तो ज़्यादा देंगे देखो उसको ज़्यादा दिया इसलिए कि खाएगी तो जल्दी से रिकवरी होगी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा ओके तो थोड़ा दूर क्योंकि बच्चे वाली है तू और इन्फेक्शन ना हो जाए वायरल सो दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी कि बबली यहाँ पर खा रही है बबली को ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा दे दिया है थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैं ओके क्योंकि फिलहाल अभी कोई 2 दिन से नहीं खाएगी और अचानक खाएगी तो कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप देख सकते हो उसके बच्चे इतने शांति से बैठे हुए हैं केसरी के यही बच्चे कुछ दिनों बाद मीन्स 2-3 महीनों बाद इतने शांत नहीं बैठेंगे इनको दोनों को भी खाने देंगे नहीं इतना एक्टिव हो गया और इतना खतरनाक इनका यहाँ पर चलेगा ठीक है तो छोटा ही अब तक ठीक है शांति में यहाँ पर सोए हुए हैं जैसे बड़े हो जाएंगे ना माँ को खाने देंगे ना बबली को खुद ही खाएंगे ओके तो चलो इनका खाना हो रहा है जो बाकी जो मेरे कैट्स मेरे डॉग हैं उनको मैं खिलाता हूँ ओके चलिए दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो आप भी बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा मेरी बबली खाना खा रही है और रिकवरी हो रही है एक ही दिन में रिकवरी हुई हम सुबह गए थे 1:30-2 बजे पेट क्लिनिक और वहाँ से आने बाद जस्ट अभी टाइम होता होगा और मेरी बबली माँ यहाँ पर खा रही है ओके तो उनका खाना हो चुका है चलते बाहर अब दोस्तों फाइनली मेरी जो बबली किटन है इसने खाना पीना स्टार्ट कर लिया है आप देख सकते हो ये बबली यहाँ पर दूध पी रही है जो 2 दिन से दूध नहीं पी रही थी जब उसको हम लेके गए क्लिनिक वेट तो उसके बाद देखो एक ही दिन में इसका खाना पीना स्टार्ट हो गया है सिर्फ देखना है इसका टेम्परेचर है या नहीं ओके पी भी और साथ में इसकी जो केसरी है यही पी रही है इसकी मासी है मासी आंटी इसकी आपको लगता होगा कलर वाइज कि ये इसकी माँ है बट इसकी माँ नहीं है ये इसकी माँ चिंगी है दूसरी कैट ओके तो सुबह का ये वक्त है 9 बजते हो गए अभी और उसको मैंने पिलाया है थोड़ा दूध तो उसने पी लिया है कल कैट फूड भी देने की कोशिश की थी बट थोड़ा ही खाई थी उसने एकदम बहुत कम ओके सो आई होप कि ये 1-2 दिन में पूरी अच्छी हो जाएंगी तंदुरुस्त ओके और जो हमारे दूसरी जो किटन्स है
लूना और रोज़ फंटा, वो भी सही है। उनकी भी आँखों का जो इन्फेक्शन है वो भी लगभग ठीक हो चुका है, और फिर भी 4-5 दिन तक हमको कंटिन्यूस में उनके आँखों में ड्रॉप डालना है। और जो लूना किटन है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर है, बुखार है, तो उसको जो दवा लिख कर दिए वो पिलाना है। ओके, अदरवाइज ऑल इज़ वेल। ओके, और ठीक है, तो आगे आगे देखे हो और भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी तो मॉर्निंग ही है, तो चलिए दोस्तों आपको मिला था बाहर मेरे डॉगी से और पपी से, पपी डॉगी से। चलिए हाँ बोलती है वो, और कैप्टन सुन बोले आराम कर, तो आराम कर, आराम कर, आराम कर, आराम कर, वो ही है देख और कैप्टन, कैप्टन भाई कैप्टन आज के डर नहीं रहा तू, नीचे बैठ जाओ, ऐसे मत कर, नीचे बैठ जाओ, ऐसे मत कर। साथ चाहिए, सो कंपनी चाहिए उसको। देखिए थोड़ा आगे चलो, काम कर रहा हूँ, डाल दे बस निकल निकल कर। Thank you.